आएंगे पाई नेटवर्क का वॉलेट, ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करें, पाई ब्राउज़र पे क्लिक करें, साइन इन टू पाई ब्राउज़र करें। पाई ब्राउज़र ओपन होगा और उसके बाद नेट बहुत स्लो है। इसको बहुत एहतियात से करना है, इसमें जो फ्रेज़ आएंगे उनको आपने कहीं महफूज जगह पे लिख लेना है, अगर वो गुम हो गए तो ऐसे समझे आपकी सारी कमाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये वैलेट डॉट पाई पे क्लिक करेंगे आप, जनरेट वैलेट इस पे क्लिक करें, इसके बाद फ्रेज़ आएंगे, 24 फ्रेज़ होंगे, ये फ्रेज़ आ गए हैं, इनको आपने महफूज कर लेना है, कॉपी करके कहीं लिख लेना है, इनको आपका कॉपी कर लें, कॉपी पे क्लिक करें। अगर आप फिंगरप्रिंट के साथ इसको अनलॉक करना चाहते हैं, यूज़ फिंगरप्रिंट नीचे ऑप्शन दी हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे, अगर आप अपने फिंगरप्रिंट जो है वो टाइप करेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट पे ये खुल जाएगा, लेकिन अभी हम इसको फिंगरप्रिंट पे नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम फ्रेज़ से ही इसको अनलॉक करेंगे। ये फ्रेज़ आपने कॉपी कर लेने हैं, कहीं लिख लेने हैं महफूज जगह पे। इसको एक दफ़ा आप करेंगे बैक, जब ये आप कॉपी के इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएंगे, फिर इसको आप एक दफ़ा करेंगे बैक, ये यूज़ टू फिंगरप्रिंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन इसको कैंसिल कर देंगे। ये आप इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद इसको एक दफ़ा बैक करेंगे, बैक करने के बाद दोबारा वैलेट पाई पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का ये ऑप्शन आएगा, इसमें ऊपर आपने पेस्ट कर दें जो आपके फ्रेज़ आप कॉपी करके कॉपी किए होंगे वो आप इधर पेस्ट कर देंगे और अनलॉक विद फ्रेज़ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्रस्ट वैलेट पाई का वैलेट है वो ओपन हो जाएगा। ये भी फिर कह रहा है एनेबल फिंगरप्रिंट, लेकिन इसको बैक कर दिया। ये आपका वैलेट जो है वो बन चुका है पाई नेटवर्क का। जब आप वैलेट बना लेंगे उसके तकरीबन 10 दिन बाद आपका बैलेंस इसमें आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है।